हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम से रिलेटेड। आपका एसएससी सीएचएसएल ये आपका हुआ था 10 मार्च को 2023 में। शिफ्ट आपके फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और इसमें हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं आपके। तो 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 से। तो चलते हैं। बोला कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर इतना दे रखा है, रेशियो ऑफ देयर हाइट इतनी दे रखी है, तो रेशियो ऑफ रेडियस हमें बताने हैं कि कितनी होगी। तो देखोगे वॉल्यूम V1 अपॉन V2 दे रखा है 2 पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम है ना पाई आर 1 स्क्वेयर H1 डिवाइड बाई पाई आर 2 स्क्वेयर H2 हो जाएगा। और इतना सोल्व करने के बाद यहाँ पर इसकी रेशियो दे रखी है, ये पाई से पाई तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 1 वॉल्यूम दे रखा, तो R1 स्क्वेयर डिवाइड बाई R2 स्क्वेयर। एच हाइट का रेशियो कितना है, 1/6 है, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो R1 स्क्वेयर डिवाइड बाई R2 का स्क्वेयर करेंगे तो ये 6 का स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो हो जाएगी वो आपकी आर जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 सॉरी 6 हो जाएगी, और दूसरी आर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 6:1 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि राज अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, तो राज अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, वहीं प्रताप अकेला उस काम के आधे टाइम में करता है जितना राज ने लिया। तो आधे टाइम कितना हो जाएगा, 10 दिन, तो यहाँ पर 10 दिन कर दिया किसने, प्रताप ने। टोटल कितना हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। तो यहाँ एक दिन में एक काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, क्या बोला गया है, नाउ मेनी डेज बोर्ड टूगेदर कंप्लीट 3/5 ऑफ पार्ट ऑफ टोटल वर्क। तो 20 का 3/5 काम हमें करवाना है, कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलके, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 3 को डिवाइड कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बोट जो है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई। तो अपस्ट्रीम क्या होता है कि x+y दोनों की मतलब दोनों की क्या हो जाएगी, स्पीड को ऐड कर देंगे, और सेम डिस्टेंस, सेम 36 डिस्टेंस यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम x-y आपका सॉरी भाई उल्टा बता दिए, प्लस नहीं माइनस आएगा, अब स्ट्रीम में जो आएगा वो माइनस आएगा, x-y इधर प्लस आ जाएगा। तो आप देखोगे कि स्पीड ऑफ बोट बताएं, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट x है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो x-y कितना है, 36/9, स्पीड का रेशियो 36/9 क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी, तो ये आपकी 4 आ जाएगी। x+y 36/3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, y से y कट कर दो, 2x कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि a+b+c इतना है, a²+b²+c² इतना, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना, कॉमन ले लो 4 को a, bc+c हो जाएगा। अगर इसको मैं स्क्वेयर में करूंगा तो स्क्वेयर हो जाएगा आपका कितना है, a²+b²+c²+2 a(b+bc+c) हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कंप्लीट 40 दे रखी है, तो 40+2ab+bc+ca हो जाएगा इजिकल टू 0। 40 को उधर ले जाएंगे तो आपका 2ab+bc+ca कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना, 4, इसका मतलब यहाँ पे जो है 2 × 2 हो सकता है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 कह सकते हैं इस 4 को। ठीक है, तो मतलब 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आएगा, -80 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि हाउ मेनी टर्म ऑफ सीरीज, ये सीरीज दे गई है, मस्ट टेकन बी सम ऑफ ऑल टर्म इज 45। 45 सम दे रखा है, सम ऑफ ऑल टर्म 45 दे रखा है, ए आपके कितने, -9 है। डिस्टेंस कॉमन डिस्टेंस देखो तो 3 का होगा, ठीक है, कॉमन डिस्टेंस कितना होगा, 3 का, -3 और -6 का डिफरेंस देखो तो 3 का आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालना है, इसमें टर्म्स निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, सम ऑफ एन टर्म n/2 हो जाएगा, 2a और प्लस में n-1 एंड डी हो जाएगा। ठीक है, तो n/2
ये आपका 45 है, एन कितना है, एन हमें निकालना है एन बाई टू, और यहाँ पर 2a(2 × -9) प्लस n-1 डे कितना आपका 3। इसको कैलकुलेट करोगे तो 45 2 को इधर ले आओगे तो 90 हो जाएगा। ओके 2 को इधर, ये 2 को उधर ले आओगे तो 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एन 2 -9 -18। ओके प्लस 3n-3 90 इज इक्वल टू एन, और 3n माइनस कितना हो जाएगा, -18 और 3 21 हो जाएगा। ओके तो इसमें हम वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एन की वैल्यू को 10 पुट करके देखो अगर आपको निकालना। तो यहां से मैं एक काम करता हूं ताकि आपको लिए निकालने के लिए इजी रह जाए। 3 को कॉमन ले लिया, एन n-7 रह जाएगा, फिर से कट करो 30। 30 की वैल्यू n n-7 से आनी चाहिए 30, और n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे अब ऑप्शन से, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर मैं n की वैल्यू जैसे ही 10 पुट करूंगा तो 10 ये हो जाएगा इंटू में 10-3 सॉरी 7, तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका फिट हो जाएगा पूरा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज, तो आप देखोगे 15, अगर अपनी एपी है ये, अगर एपी होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि अल्टरनेट उठा रहा हूँ, सभी का अल्टरनेट उठा रहा हूँ। जैसे अल्टरनेट उठाया तो आपके पास सीरीज आई 1, 6, 11, 16, ठीक है। तो जैसे अल्टरनेट उठाओगे तो ये कितने टर्म तक जाएगी, 100 टर्म तक जाएगी, राइट। तो इनका सम निकालना है 100 टर्म का, तो 100/2, और फर्स्ट क्या है, ए आपका यहाँ पर 1 है तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस में लास्ट टर्म हमें नहीं पता तो n-1 करेंगे, तो n कितना 100-1 करेंगे 99 गुना डी कितना आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कर दो, क्या प्लस करना, दूसरी सीरीज बनाओ 5, 10, 15, 5, 10, 15, अल्टरनेट उठाया था, इसको भी 100 टर्म तक ले जाओ, दोनों को 100 टर्म तक ले जाएंगे जब भी 200 टर्म कंप्लीट होगी। 200 टर्म कंप्लीट करने के लिए यहां से भी फॉर्मूला उठाओ तो 100/2 2 × 5 हो जाएगा, प्लस में 99 × 5 हो जाएगा, डी आपका 5 है और इधर ए आपका 5 है। 100/2 कॉमन निकाला तो यहां से कितना आया, 2 प्लस, और आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस ये आपका 5×45, 5×45 4, 9, 7 हो जाएगा। ओके यहाँ पर प्लस में 100 कॉमन निकाला ना तो इसको 10 और 495 और 10 आपका कितना लेगा, 505 हो जाएगा यहाँ से। तो 100/2 इनका सम करोगे 7 और 5 कितना होता है, गलत तो नहीं कर दिया कहीं, चलो देखते हैं, 7 और 5 12 हो जाएगा, 9 और 1 10, और 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है। 2 से कट करते हैं, 5 0 1, 501 आगे आएगा और 2 0 बाद में आएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि एक मर्चेंट है जो डिस्काउंट करता है 20% का एमपी पर, तो एमपी पर डिस्काउंट दे रखा है तो कितना परसेंट है, 20%, 20 का फ्रैक्शन करोगे तो आपका 1/5 आता है। तो फाइव अगर एमपी 5 आपका तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इफ ही वॉन्ट एरन प्रॉफिट ऑफ 20%, रिटर्न करता है तो ये एससीपी पर आएगा, सीपी आपको कितना दे रखा है 20%, मतलब कि 20% का ये 1/5 हो जाएगा, तो सीपी जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एसपी जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, प्रॉफिट क्या तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस हाउ मच परसेंटेज मोर देन कॉस्ट प्राइस, देखो मार्क प्राइस का पूछा है, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले इस रेशियो से चेक कर लीजिए, यहाँ पर एसपी 4 है, यहाँ पर एसपी 6 है, तो दोनों कॉमन करोगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, और सीपी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 रेशियो आपको कितना था 5, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 12 आ जाएगा, और इधर भी 2 से कर दो तो ये 10 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। बस आपका 10 और 15 के बीच में क्या पूछा है, 15 और 15
15/10 के बीच में क्या पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा, तो अब देखो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो 10 का कितना ज्यादा ही है, 50% ज्यादा है, तो 50% आपको राइट आंसर दे देगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो सीपी अपॉन एमपी का फॉर्मूला होता है क्या, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस डिस्काउंट परसेंट। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और ये आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। बोला कि एक रेडियस ऑफ स्फीयर को डिक्रीज कर दिया 10% के हिसाब से, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या कितना परसेंट डिक्रीज होगा। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है कि पाई, सॉरी 1/3, सॉरी सॉरी स्फीयर पूछा ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर रेडियस को जो है ना डिक्रीज करके कितना बना दिया, रेडियस 1 से रेडियस 2 10% डिस्काउंट किया है, तो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। जैसे 10 में से पहले 10 था फिर 1 कर दिया, तो ये तो कॉन्स्टेंट ही, इधर हमें कोई मतलब नहीं, इससे मतलब होगा तो रेडियस का क्यूब करना तो 10 इधर 1, सॉरी कम करना ना, तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी भाई 10 9, तो 10 का क्यूब 1000 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है। कितना कम किया, इतना कम किया, चेक कर लो कितना, 271 है, तो 271 कम किया कितने में से, 1000 में से, गुना 100 कर दो, आपका आंसर कितना जाएगा, डेसिमल 27.1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉरी ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। विजय सेल करता है बनाना इतने रुपए, 14 रुपए पर डजन के हिसाब से, 14 रुपए पर डजन के हिसाब से इनन प्रॉफिट 40%, 40% कमाता है, 40%। आगे देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ बनाना इंक्रीज बाय 30%, कॉस्ट प्राइस 30% इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, चलो देखते हैं भाई, अगर वो 14 रुपए पर डजन के हिसाब से बेचे, अगर मैं 14 रुपए किसी एक चीज के बारे में पूछूं तो 14 रुपए के हिसाब से बेचे तो 40% का प्रॉफिट करता है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5, तो 5 सीपी आपका 5 है, एसपी कितना है, 2 है, 2 7 हो जाएगा। ठीक है, इस 7 की वैल्यू इसने कितनी दे रही है, 14। ठीक है, बोला कि अगर 30% सीपी इंक्रीज हो जाए, सीपी 30% इंक्रीज हो जाए 1/3/10, तो यहाँ पर जो सीपी हो जाएगा 10 है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल सीपी है, नया सीपी आया ना, इसको हमने क्या किया करना है, 3 ज्यादा बढ़ाना है, तो मतलब पुराना सीपी अगर 10 है तो नया सीपी, ओरिजिनल सीपी 10 है तो नया सीपी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने सीपी की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, डबल कर दो, यहाँ पर भी डबल 14, सॉरी डबल, तो ये तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से हमने 10 से हमने कितना कर दिया, 13 कर दिया, तो कितना का इफेक्ट पड़ेगा, 1/13 का इफेक्ट पड़ेगा, और 1/13 का फ्रैक्शन कितना होता है, 7:13, 7 91 और 9/13 आपका आंसर दे देगा, लगभग 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एवरेज हाइट 286 है, 50 यूनिट, 286 बच्चों की 50 यूनिट है। ओके, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज 53 है, 53 बॉयज की 53 है, और एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स नहीं है, तो व्हाट विल द रेशियो ऑफ टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो एलिगेशन से कर लेते हैं, ये आपका बॉयज हो जाएंगे 53 है, ये आपकी गर्ल्स हो जाएंगे, कितना वेट दे रखा है, 31 दे रखा है, एवरेज टोटल कितना दे रखा, 50 दे रखा है, तो रेशियो देख लेते हैं कितना कितना हो जाएगा इसका, तो 50 में से 53 में से 50 गया 3, 31 में से 50 गया तो 19, 19 रेशियो 3 का एग्जाम्पल होगा, तो आप 19 से देख लो कौन सा है, पहले 3 से देखो क्या, 1 मिनट, सॉरी भाई, टोटल 286 है, क्या पूछा है ने, 286 में से 53 यूनिट बॉयज का है। ओके, ये तो एवरेज आया ना, तो एवरेज के हिसाब से 3 से जो डिवाइड होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड होता है, नहीं होता, ये होता नहीं होता, ये होता नहीं होता, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी आप एक बार 19 से भी चेक करके देख लीजिए कि ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर पॉइंट है एक्स वाई वाई जेड पर, एक्स वाई जेड पी क्यू, ठीक है, और पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई जेड के, पी क्यू अगर पी क्यू का वाई जेड से रेशियो दे रखा 3, ये 3 है तो ये 8 है,
तो एक्स वाई 88 चाहिए, ये कंप्लीट 88 चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, एक्स पी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको पता होगा कि पी क्यू डिवाइड बाई वाई जेड इज इक्वल टू एक्स पी डिवाइड बाई एक्स वाई कर देंगे। ठीक है, तो 3/8 इज इक्वल टू एक्स पी डिवाइड बाई 88, 8 की वैल्यू 88, तो ये 11 के मल्टीपल है, तो इधर हम क्या कर देंगे, 11 के मल्टीपल कर देंगे, 33 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बराबर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 2 है, वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो 7 का क्यूब 343 -8 डिवाइड बाई 49 -2 -3 इंटू 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 7+2। ठीक है, तो 343 में से 8 गया, तो आपका कितना बचेगा, 333 बचेगा, सॉरी 333 नहीं, 335 बचेगा, डिवाइड बाई 47 माइनस, ये आपका 9 हो जाएगा, तो ये आपका 3 पे कट गया, तो -7 × 14/3, और आपका कितना कट जाएगा, ये 47 से कितना कटेगा, कुछ गलती हो गई क्या, -7 का क्यूब 343 -8/49 -4 आएगा, सॉरी यहाँ 4 है भाई। ठीक है, 45 आ जाएगा, ओके 45 आ जाएगा, और 45 निम्न में होता आपका, 45 निम्न में 45 7 7 तो 5 नहीं, क्या हो गया ये, 7 7 128 7 5 8 9 से कट कर लेते हैं भाई, 6 और 5 3 15, 5 से कट करते हैं 9, 5 से कट करते हैं तो 6 और 7 67, ठीक है 67/9 आएगा, और इसको 9 बनाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई पर कर दो 42, तो 67 - 42 करोगे तो 25 आ जाएगा, और नीचे क्या है 9 है, ये आपका राइट आंसर दे देगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन ईयर वन, ईयर वन में ए और बी के एवरेज एक्सपेंडिचर करना है, 800 और 2000 तो 2800 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 2, T1 ये कह रहा है, T2 क्या कह रहा है, ए एंड बी Y5, Y5 का कितना हो गया, 400 और 2000/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1400 हो गया और ये 1000 हो, ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया इसने, T1 -T2 400, 400 आपका राइट आंसर दे दो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने इस एग्जाम के कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।